T20 हो चुके हैं यार काफी मुश्किल, तो प्रैक्टिस में, माइंडसेट में और स्किल सेट में, इन तीन में क्या चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले टाइम में इस चीज को ट्रेंड में जाते हुए आप जरूर देखने वाले हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं मेरी बैटिंग का, उसमें आपको ये नोटिस करना है कि मैं उस वीडियो में कितनी बार आउट हो चुका हूं। 3 बॉल का वीडियो है, फटाफट देख के उसके बारे में आगे बात करेंगे। आपने बैटिंग देख ली होगी और जाहिर सी बात है इन 3 बॉल में मैं एक भी बॉल में आउट हुआ नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे अब आपको लग रहा होगा तो फिर चेंज क्या करना है। देखो अब क्या करना है आपको, माइंडसेट में और स्किल सेट में ये चेंज करना है कि मान लो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो T20 के लिए और अगर आप डिफेंस करते हो तो इसका मतलब आपको कंसिडर ये करना है कि आप बोल्ड हो चुके हो। तो यही माइंडसेट में आपको लाना है, क्योंकि आपको हर बॉल पे अब आपको रन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले मैच में आप डेफिनेटली डिफेंस करोगे, लेकिन ये माइंडसेट के साथ आप खेलोगे तो आपके पास स्ट्राइक रोटेशन के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, प्लस साथ ही साथ आपके ऊपर प्रेशर नहीं गिरेगा मैच के अंदर। तो बस लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।